सवाल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पूर्व सोवियत संघ। आपका सही उत्तर होगा डी पूर्व सोवियत संघ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1972 में, बी 1976 में, सी 1977 में, डी 1978 में। आपका सही उत्तर होगा बी 1976 में। आपका अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? आपके ऑप्शन है ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका सही उत्तर होगा सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन के 10-4 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी नीति निर्देशक सिद्धांत, सी पंचायत राज सिद्धांत, डी मौलिक कर्तव्य। आपका सही उत्तर होगा डी मौलिक कर्तव्य। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन है ए भाग 3 में, बी भाग 3 ए में, सी भाग 4 में, डी भाग 4 ए में। आपका सही उत्तर होगा डी भाग 4 ए में। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। आपका सही उत्तर होगा ए 4। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 51 ए, बी अनुच्छेद 50 ए, सी अनुच्छेद 49 ए, डी अनुच्छेद 52 ए। आपका सही उत्तर होगा ए अनुच्छेद 51 ए। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? आपके ऑप्शन है 11 है, बी 10, सी 12, डी 9। आपका सही उत्तर होगा 11 है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ए राज्य का आज्ञा पालन, बी कानून का आज्ञा पालन, सी समाज का आज्ञा पालन, डी करों की अदायगी। आपका सही उत्तर होगा डी करों की अदायगी। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ए 1971 में, बी 1972 में, सी 1975 में, डी 1976 में। आपका सही उत्तर होगा डी 1976 में।